कि इस देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को, ये कम आंकड़ा नहीं होता है, 81 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, उनको 5 साल तक मुफ्त में अनाज मिलेगा और इसकी राशि 11,80,000 करोड़, यानी 12 लाख करोड़ के आसपास की राशि एक योजना में खर्च होगी। ये आप नरेंद्र मोदी जी का गरीबों के प्रति जो कमिटमेंट है उस भाव को दर्शाता है। और यही कारण रहा कि गरीब जब इम्पावर्ड हुए और जब नीति आयोग ने एक अध्ययन किया तो पता चला कि नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण, विशेष करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण, गरीब 13,50,00,000 से ज्यादा गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। ये देखिए कितना बड़ा डेटा है। और इससे भी ज्यादा IMF, वर्ल्ड बैंक के लोग कहते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, उसमें जो अधिकतर, जो अधिकतम गरीब कहलाते थे, वो गरीबी रेखा से बाहर आए, उनका जो लेवल है, जीवन स्तर है, वो सुधरा है। ये हमारी योजनाओं का एक परिणाम, सुखद परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। और गरीब कल्याण अन्न योजना, जैसे मैंने कहा, 5 साल तक जब एक गरीब व्यक्ति समाज में रहता है, वो देखता है कि मैं अनाज कहां से लाऊंगा, तो अनाज तो मोदी जी भेज रहे हैं, तो फिर जो पैसा बचेगा वो पैसा वो गरीब व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लगाएगा, अपने जो इम्पावर्ड करने की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें उस पैसे को लगाएगा, तो वो इम्पावर्ड भी होगा, सक्षम भी होगा, एबल भी होगा, कैपेबल भी होगा। इन योजनाओं के कारण ये परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि 13.5 करोड़ गरीब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। और ये योजना गरीब, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हम आज इस योजना के बारे में ही चर्चा करेंगे, आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप इसमें पूछ सकते हैं। सर, क्या कि जो प्रधानमंत्री खुद तो फ्री में दे रहे हैं इसी योजना? नहीं नहीं, दोनों देखिए, ये इसमें फर्क समझना पड़ेगा। फ्री बीज और किसी को इम्पावर्ड करना, ये दोनों में फर्क है जी। अगर कोई आदमी सक्षम नहीं है, उसको हम सक्षम बना रहे हैं, तो उसकी जो ताकत है वो देश के विकास में दूसरे कामों में लगेगी, रचनात्मक लगेगी, सकारात्मक लगेगी। जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जब कोविड कालखंड आया था तब इसको प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्तर पे इसको शुरू किया था, तो इसका कितना प्रभाव रहा? बहुत सकारात्मक प्रभाव रहा। गरीबों को लगा कि मुझे अनाज की चिंता तो नहीं है। जब अनाज की चिंता नहीं है तो वो दूसरे कामों में लगता है। सक्षम बनाना किसी को, वो अलग बात है। सक्षम बनाने की योजनाओं का हम स्वागत करते हैं, चाहे कोई सरकार बनाए, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर और जो फ्री बीज की बात करते हैं, उनकी वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं होती है, तो वो फिर देश के लिए ठीक नहीं है। हम देश के नागरिकों को सक्षम बना रहे हैं, चाहे कोई भी योजना हमारी उठा करके आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब हमारा शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था संसद का, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ साफ कहा था विपक्ष को कि नकारात्मकता का भाव छोड़ें और सकारात्मक चर्चा करें, सदन में भी और बाहर भी। कोई कमियां हैं तो हमें बताएं, लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी जरूरी है। ये सब प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग, मैं सारे साथियों को तो नहीं कहूंगा, कुछ लोग आजकल
प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लग जाते हैं, ये भूल भी जाते हैं हम देश के नागरिक हैं। ये जो भाव है या ये जो प्रवृत्ति है, ये खराब प्रवृत्ति है, जिसको कल प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के लोगों को समझाया भी था और चेताया भी था।